हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन के बारे में फुल जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन का यूज किस बीमारी में इलाज करने के लिए यूज किया जाता है और इस इंजेक्शन का डोज क्या है और इस इंजेक्शन को लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो दोस्तों ये सब जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ बेल की घंटी को इंप्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडिसिन वाले चैनल। तो दोस्तों, इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन का निर्माण अरिस्टो फार्मा कंपनी बनाती है, लेकिन यह इंजेक्शन बहुत बढ़िया और ब्रांड जानी मानी इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन के MRP 75 रुपये हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इसके प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और साथ में इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। अगर आपको यह इंजेक्शन किसी मेडिकल या मार्केट में ना मिले तो इस इंजेक्शन का कॉम्पिटिशन बताकर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन का कॉम्पोजिशन है सेफेक्ट्रियाजोन 250 mg और ताजोबैक्टम 31.25 mg है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन के यूज के बारे में। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों, मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन एक मिश्रित इंजेक्शन है जिसका यूज अनेक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यह इंजेक्शन सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ता है और संक्रमण को अधिक फैलने से रोकता है और साथ में किसी छोटे बच्चे को निमोनिया की समस्या है या सीने में बलगम कफ जमा होने की समस्या है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है और साथ में पेशाब में संक्रमण होने की समस्या है या ब्लड में इन्फेक्शन होने की समस्या है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है और साथ में किसी इन्फेक्शन के वजह से बुखार लगने की समस्या है या टाइफाइड बुखार होने की समस्या है या मलेरिया बुखार होने की समस्या है या दिमागी बुखार होने की समस्या है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है और साथ में किसी प्रकार के पेट में इन्फेक्शन हो गया है या सूजन होने की समस्या है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है और साथ में किसी प्रकार के स्किन में इन्फेक्शन होने की समस्या है या किसी प्रकार के घाव फोड़े फुंसी होने की समस्या है या किसी प्रकार के सर्जरी हुआ है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को डॉक्टर से सलाह के अनुसार यूज कीजिए, क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने से पहले मरीज का एज, बॉडी वेट और क्या समस्या है ये सब देखने के बाद ही देते हैं। लेकिन भाइयों, हम इस इंजेक्शन का सामान्य डोज बता देते हैं डॉक्टर द्वारा कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को 0 ईयर से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, हम सभी को पता है दवा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसे हम जान लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पेट में दर्द होना, मतली या उल्टी होना, लाल चकते होना, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना और सर में दर्द होना। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का यही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं तो नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें जहां फौरन ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन के यूज के बारे में, जो कि मुख्य रूप से किसी छोटे बच्चे को किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की समस्या है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुमताज़ 250 mg इंजेक्शन के यूज के बारे में जाना, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।